यस यस मैम। मैम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम गुड आफ्टरनून। I'm also fine, Beta. Thank you, and I welcome you in this session. Students, today we will discuss exercises from book B, chapter number 5. Okay, आज के session में हम chapter 5 से book B की exercises solve करेंगे. ठीक है? हमने exercise number 1 next session में solve किया था. आज के session में हम आगे की exercises solve करेंगे. Okay? तो मैं आप सभी को book share करती हूँ. Yes. Yes, ma'am. बेटा बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ओके चले, आई थिंक सभी को yes, ma'am. सभी को बुक दिखने लगी स्क्रीन पे. यस मैम. ओके यस मैम. क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनिए. पहले सुनेंगे नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे. ओके, हियर आर द पिक्चर ऑफ पीपुल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन. ये जो पिक्चर है ऐसे लोगों का है जो अलग अलग वर्क करते हैं. ठीक है, राइट देयर ऑक्यूपेशन इन द ब्लैंक. आपको पिक्चर देख कर पहचानना है और उनका ऑक्यूपेशन उसको यहाँ पे. ओके, लुक एट द पिक्चर नंबर 1. आया मा, लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी कौन है ये. आया मा यस. चलिए कारपेंटर कारपेंटर. ओके आदित्य, यू टेल स्पेलिंग ऑफ कारपेंटर. Carpenter. Good. खुशी, you tell spelling of carpenter. खुशी. बेटा माइक ऑन करिए खुशी, पहले माइक ऑन करके आंसर दो. ओके वेदांत. C-A-R-P-E-N-T-E-R. गुड, तो आपको यहाँ पे राइट करना है कारपेंटर. C-A-R-P-E-N-T-E-R कारपेंटर. कर लेंगे ना. Yes, ma'am. Okay, look at the, अभी ध्यान रखेंगे. लुक एट द पिक्चर नंबर बी. आई एम अनंत, यू टेल हु इज दिस. मैम कुक. कुक, वेरी गुड. तो यहाँ पे भी क्या राइट करना है. कुक, स्पेलिंग ऑफ कुक. कुक बेटा जिससे पूछेंगे ना वही आंसर देगा. अगर आप लोग बीसी बोलेंगे तो मैं सेशन से रिमूव करूंगी. फॉलो, यू हैव टू फॉलो द रूल. एक साथ नहीं चिल्लाएंगे कोई भी. अंशु, यू टेल स्पेलिंग ऑफ कुक. अंशु भाई, सी डबल ओ के कुक. डबल ओ के मैम. सी डबल ओ के कुक. यस. चलिए लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. जिसको भी आंसर पता होगा वो हैंड मूव करेंगे सिर्फ. पिक्चर नंबर 3. आई एम एन रमा, यू टेल. मैम कार, मैम कारपेंटर. मैम इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन होगा. ओके यस मैम. इलेक्ट्रीशियन अनुष्का टेल. इलेक्ट्रीशियन अनुष्का. बेटा माइक ऑन करिए अनुष्का, माइक ऑन करिए. मैम ELECTRICIAN. वेदांत, वेदांत यू टेल. बेटा माइक ऑन करके आंसर दीजिए.
मैम ई एम ई सी टी आर आई सी आई ए एन गुड सृष्टि सृष्टि यू टेल स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन सृष्टि माइक ऑन करिए सृष्टि मैम ई एल सी टी आई ओ एन कुछ लग रही है आपको सिर्फ बातें कर रही मुझे दिख रहा है सुमित यू टेल स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन सुमित ऑन द माइक सुमित यस मैम टेल द स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन ई एल ई ई एल ई सी टी ए आर ए रॉन्ग बता रहे हैं रॉन्ग सब रॉन्ग कर रहे हो आप रौनक यू टेल रौनक ऑन द माइक बेटा जिससे पूछ रहे पहले उसको बोलने दो रौनक यू टेल रॉन्ग बता रहे स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन की बेटा आदित्य चल बेटा आदित्य यादव माइक ऑन करके बोलते हैं मैम ई एल ई सी टी आई ओ एन नो नो रॉन्ग बता रहे हैं रमा मैम 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 ई एल ई सी टी आर आई सी आई ए एन इलेक्ट्रीशियन गुड वेरी गुड लेकिन बेटा जब पूछा जाए तभी बोला करिए ठीक है आपने आंसर अच्छा दिया है लेकिन आप अच्छी बच्ची तब बनोगी जब मैम के पूछने पर आंसर दोगी बीच में नहीं बोलोगी ओके ई एल ई ई एल ई सी टी आर आई सी आई ए एन इलेक्ट्रीशियन तो हमें यहाँ पे राइट करना है इलेक्ट्रीशियन ओके लुक एट द पिक्चर नंबर नेक्स्ट आई एम एन Who will tell me on the mic? कौन बताएगा अनन्या अनन्या यू टेल मैम आई एम अ फार्मर यस स्पेलिंग ऑफ फार्मर एफ ए आर एम ई आर एफ ए आर एम ई आर गुड चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफाइन द टर्म प्रोफेशन व्हाट इज द प्रोफेशन प्रोफेशन को डिफाइन करना है ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने पढ़ा था Who will tell me? Show your hand. What is a profession? Vedant, tell. वेदांत ऑन द माइक बेटा मैम प्रोफेशन इज अ पेड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर इज फॉर स्पेशल ट्रेनिंग और इसके फॉर एग्जांपल मेडिकल लेगा एंड टीचिंग ओके प्रोफेशन इज द पेड ऑक्यूपेशन दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग है ना एंड कर लेंगे सभी यस सुभांगी चल सुभांगी मैम प्रोफेशन इज अ पेड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट teaching तो profession is a paid occupation that requires special teaching and training to develop the skill हाँ बेटा बीच में नहीं चिल्लाते अनन्या बस कहने से समझ में नहीं आता है
Yes, Anushka, you tell. Yes, ma'am. Hurry up. Ma'am, profit is a paid occupation that requires special training or skill. For example, medical, legal, and teaching. Good. Srishti and Priyanka, आप लोग वर्क क्या कर रहे हैं? बेटा मैं आप दोनों को सेशन से रिमूव करती हूँ. आप दोनों बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और ना तो सही से बैठ रहे हैं. सृष्टि एंड श्रेयांक को मैंने यहाँ से रिमूव किया. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी कर लेंगे, है ना? दिस इज वर्क फॉर टुडे. आज ही करके इसको सबमिट करना है. लास्ट टाइम आप लोगों ने वर्क सबमिट नहीं किया था. ओके, इसलिए सभी को अभी तुरंत करना है. ओके, चलिए पाते हैं. गैस हु आई एम अभी एक बार डिस्कस किया गया है ना? चलिए फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आपको पिक्चर देख के गैस करना है और ये बताना है ये पिक्चर किसका है. लुक एट द पिक्चर एंड नेम द ऑक्यूपेशन. आई ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द फील्ड. हु आई एम अ आई ग्रो फ्रूट. बेटा इसके पूछेंगे वो आंसर देंगे. यस बेटा रौनक, चल आई एम फार्मर. फार्मर, फार्मर कभी कर लेंगे, है ना? लुक एट द सेंटेंस नंबर बी. आई टीच इन आई स्कूल. आई एम अ आदित्य. आई टीच इन आई स्कूल. आई एम अ आदित्य. टीचर. ओके, टीचर. गुड. नेक्स्ट सी वाला है. आई कुक इन अ रेस्टोरेंट. आई एम अ कुक. कुकिंग नहीं, कुक. ओके, एंड एक्सरसाइज नंबर डी पे आते हैं. आई फ्लाई एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. आई एम अ अंशु. यू टेल. मैम पायलट. पायलट, पायलट. यस, वेरी गुड. स्पेलिंग ऑफ पायलट. मैम पायलट. सभी लोग कर लेंगे ना? बेटा जितने पूछेंगे वही आंसर देंगे. तो मैं आप सभी को रिमूव करूंगी सेशन से. बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोग को. क्वेश्चन नंबर टू है. नेम थ्री पीपल हु हेल्प यू एवरी डे. आपको ऐसे थ्री पर्सन के नेम ऐड करना है जो आपकी हर दिन हेल्प करते हैं. रमा, यू टेल. रमा, टेल द नेम ऑफ थ्री. बेटा व्हाट आई एम आस्किंग, सुन लो. मैम फायर फाइटर. मैम पुलिस. मैम डॉक्टर. फायर फाइटर, पुलिस एंड डॉक्टर. ओके, वेदांत, यू टेल. मैम मिल्कमैन. मैम पुलिस. मैम डॉक्टर. पुलिस, डॉक्टर एंड एक और बताना. थ्री पीपल्स के नेम बताने हैं. मिल्कमैन. ओके, अंशु. अंशु, यू टेल द नेम ऑफ थ्री पीपल हु हेल्प यू एवरी डे. हर दिन काम करते हो, हर दिन आपकी हेल्प करते हो. ऑन द माइक. मैम मदर, मिल्कमैन, टीचर. मैम मदर, मिल्कमैन, टीचर. ओके, ठीक है. खुशी, यू टेल. खुशी. मैम, मैम फार्मर एंड मैम फार्मर एंड सिक. व्हाट? सिक. मैम डॉक. फार्मर, डॉक्टर एंड. मैम फार्मर, डॉक्टर एंड इलेक्ट्रिशियन एंड फायर फाइटर. हर दिन हेल्प करते हैं ये लोग. ओके, अमन गुप्ता, यू टेल. अमन गुप्ता, यू टेल. बेटा बेटा माइक ऑन करिए. अमन, यस मैम. चल
You have to tell the name of three person who help you every day. मैम पायलट पायलट हर दिन हेल्प करते हैं आपके आस पास देखो शुभांगी ऑन द माइक यस मैम फादर मदर मैम मिल्कमैन फादर मदर भी मिल्कमैन ओके सुमित यस मैम चल ओके तो आई थिंक सभी कर लेंगे इसे है ना अनुष्का यस मैम अनुष्का यू कैन मैम हरी बेटा हु हेल्प यू एवरी डे मिल्क मैन मैम प्लम्बर मैम इलेक्ट्रिशियन ओके चलिए आते हैं हम वेसे टाइप नंबर नेक्स्ट पे थ्री पे राइट द नेम ऑफ टूल यूज बाय दीज पीपल यहाँ पे लोगों के नेम दिए हुए आपको ये पता करना है ये वर्क कौन करता है ठीक है ये अपने वर्क में कौन सा टूल यूज करते हैं प्लम्बर का टूल क्या होगा विच टूल डज द प्लम्बर यूज शुभांगी मैम स्पैनर एंड प्लम्बर यूज रेंच है ना रेंच डब्ल्यू आर ई एन टी एच रेंच कर लेंगे नेक्स्ट आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कौन सा टूल यूज करेंगे आदित्य यू टेल आदित्य हरी बेटा नहीं पता स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया था टॉपिक हाँ बेटा अनन्या मैम ड्राफ्टिंग बोर्ड ड्राफ्टिंग बोर्ड बेटा जिस पे बोला जाए ना वही किया कि मैं आटल के बीच में बोल दिया आपके बार जिसने उसको मैं सेशन से तुरंत रिमूव करूंगी पूरा सेशन खराब करते हैं बीच बीच में चिल्लाकर वेट किया गई अपने टर्न आने तक यस यहाँ पे होगा ड्राफ्टिंग बोर्ड है ना गुड क्वार्टर शो मी हैंड जिसको भी आंसर पता है हैंड शो करिए मैं देख रही हूँ क्वार्टर का टूल क्या होगा वेदांत बेटा वेदांत चल हरिया मैम पॉट मैम टॉपिक में समझाया गया था रौनक रौनक डिस्कनेक्ट हो गया था मैम क्ले क्या बेटा क्ले मिट्टी रमा यूटेल रमा ऑन द माइक बेटा माइक तो ऑन करिए रमा चल विच टूल पॉटर यूज अब नहीं बोलेंगी बीच में चिल्लाना होता है तब मैं एयरटेल में एयरटेल चिल्लाती हूँ अब एनीबॉडी एल्स बेटा हैंड शो करिए जिसको भी आंसर पता है हैंड शो करिए मैम हाँ अनुष्का टेल नहीं पता आपको भी नो अंशु अंशु यू टेल पॉटर जो है वो पॉट बनाने के लिए एक व्हील यूज करते हैं ना वो व्हील कौन सा होगा पॉटर पॉटर
स्कॉटर्स व्हील. यस, स्कॉटर्स व्हील राइट करना है आपको यहाँ पे. ओके, कर लेंगे. यस मैम. स्कॉटर्स व्हील. नेक्स्ट है टेलर. विच टूल डज द टेलर यूज? आदित्य यू टेल. टेलर कौन सा टूल यूज करते हैं अपने वर्क में? हरी अप ऑन द माइक. आदित्य आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आदित्य को मैं रिमूव करती हूँ. बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आ रहा मैं तब से बोल रही हूँ. खेलने में मस्त है. अनन्या बेटा यू टेल. अनन्या टेल. मैं टेलर. यस टेलर. मैम टेलर स्टोन. सिलिंग मशीन यूज करते हैं ना, सिलाई मशीन, तब तो कपड़े सिलते हैं. शुभांगी. यस मैम. मैम आप पेयर. मैम 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 आप सीजर. यस सीजर. सिलाई सिलाई मशीन को बोलते हैं सिविंग मशीन. ओके, आप पेयर ऑफ सिविंग मशीन. हाँ सिविंग मशीन. एंड मैम मैम टैप. टेप यूज करते हैं. नीजर टैप टेप. एंड टेप. यस गुड. सीजर सिविंग मशीन एंड टेप है ना. नीजर टेप तो ये यूज करते हैं टेलर. तो कर लेंगे इसे है ना. इट इज वर्क फॉर टुमारो. आज का वर्क आप लोग को ये वाला दिया गया है ना. एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 2 याद करना है. एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो है वो कल का होमवर्क रहेगा. ओके, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये कल का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर. नेम द ऑक्यूपेशन एंड द टूल ईच पर्सन यूज. फर्स्ट पिक्चर किसका है? खुशी. आइडेंटिफाई द पिक्चर नंबर 1. इट इज द पिक्चर ऑफ बेटा जहाँ पे रेड साइन करते डॉक्टर. यस, अब डॉक्टर जो टूल यूज करते हैं उसको भी आपको राइट करना है. ओके, पिक्चर नंबर 2 मैम फायर फाइटर. फायर फाइटर. फायर फाइटर. फायर फाइटर. पिक्चर नंबर 3 मैम कुक. और जो टूल यूज करते हैं उसको भी आपको राइट करना है. ठीक है? यस मैम. यस मैम. एंड आप क्या करना है? डॉट्स यहाँ पे हैं. डॉट्स को कंप्लीट करना है आपको. कंप्लीट द डॉट्स ऑफ द पिक्चर्स. आइडेंटिफाई द टूल्स एंड राइट हु यूजेस इट. सबसे पहले डॉट को कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट करने के बाद जो पिक्चर बनता है उसको पहचान के बताएंगे ये टूल कौन यूज करता है. ओके, कर लेंगे ना. यस मैम. तो सारे वर्क आपको कल करने हैं. एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4. ठीक है, समझ में आ गया ना. एंड 5.3 के भी सारे वर्क आपको कल ही करने हैं. ठीक है ना. ये भी मैं yes, करना कहते हैं. आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लेवर. देखते हैं यहाँ पे. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज आशिमा. पिक्चर में कौन है? दिस इज आशिमा. दिख रहा है सबको ना पिक्चर? यस मैम. दिस इज आशिमा. कुक. वो क्या है? कुक है, मतलब खाना पकाने वाली है. खाना बनाती है सभी के घरों में जाके. एंड वर्क इन रियाज हाउस. वो रिया के घर में काम करती है. आशिमा जो है वो कुक है, खाना बनाने का काम करती है रिया के घर में. ओके, एंड आशिमा लाइक टू वर्क देयर. आशिमा को यहाँ काम करना पसंद है. ठीक है, रिया के घर में. थिंक एंड गिव टू रीजन व्हाई शी लाइक टू वर्क इन रियाज हाउस. आपको ये सोच के बताना है आशिमा को रिया के घर में काम करना क्यों अच्छा लगता है.
कुक है वो, उसको इस घर में काम करना क्यों अच्छा लगता होगा? थिंक एवरीवन एंड शो योर हैंड. यस शिवांगी, शुभांगी. मैम रियाज फैमिली मेंबर, मैम रिस्पेक्ट एंड ग्रेट आसिमा. वेरी गुड, वेरी गुड. मैम सेकंड लाइन, मैम दे आर नेवर रूड टू आसिमा. वेरी गुड, है ना? आप फर्स्ट लाइन राइट कर सकते हैं. रियाज फैमिली मेंबर रिस्पेक्ट आसिमा, है ना? एंड दे सेकंड में कर सकते हैं दे नेवर टू बी रूड टू आसिमा. आसिमा के लिए वो रूड नहीं होते, अच्छे से बात करते हैं, है ना? तभी तो उसे काम करना अच्छा लगता है इसी घर में. अनन्या, अनन्या यू टेल. यस मैम, मैं वो रिया के घर में इसलिए काम करना पसंद करती है मैम, क्योंकि रिया के घर में मैम रिया और उसकी मदर मैम उसको प्यार करते थे. बेटा इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में राइट करना है ना. क्या राइट करेंगे? फर्स्ट रियाज फैमिली मेंबर, मैम रियाज फैमिली मेंबर रिस्पेक्ट एंड ग्रेट आसिमा. हाँ, दे रिस्पेक्ट आसिमा, है ना? एंड दे नेवर टू बी रूड टू आसिमा. आसिमा के लिए कभी वो रूड नहीं होते हैं, इस वजह से उसको अच्छा लगता है. कर लेंगे ना? टू रीजन अभी कर लेंगे. यस मैम. अभिषा, यस मैम. मैम टू रीजंस बता दीजिए. तब से मैं बोल रही हूँ, सुन क्या रही है बेटा? ध्यान से सुनना तो चाहिए, मैं वही तो बता रही हूँ. फर्स्ट में लिखेंगे रियाज फैमिली मेंबर रिस्पेक्ट आसिमा, है ना? आसिमा की रिस्पेक्ट करते हैं. रियाज फैमिली मेंबर रिस्पेक्ट आसिमा. एंड सेकंड राइट करेंगे दे नेवर बी रूड टू आसिमा. वो आसिमा के लिए कभी रूड नहीं होते. दे नेवर टू बी रूड टू आसिमा. ओके, हो जाएगा? यस सेकंड देते हैं. राइट टू वेज इन विच वी कैन शो रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर एट होम एट स्कूल. आपको दो तरीके बताने हैं जिससे हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे हमारे घर में मिलते हैं हमको, या फिर हमारे स्कूल में जो होते हैं. क्या उनके लिए करेंगे हम, जिससे उनको लगे कि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं? चल बेटा, कौन बताएगा? शमर हैन. यस खुशी, चल. मैम हम लोग उन लोगों की मैम उन लोगों को मैम कोई मैम नोटबुक्स मैम गुम हो जाए मैम उसी को मैम हम लोग मैम देंगे. अच्छा, एनीबडी एल्स? यस शुभांगी. यस मैम, ग्रेट द पीपल हु हेल्प अस एट होम एंड एट स्कूल. वी शुड डू आवर टाइप्स ऑफ वर्क फॉर देम. सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? वी शुड रिस्पेक्ट देम. हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड वी शुड ग्रीट देम हैप्पीली. जब भी उनसे मिलो खुश होकर मिलना चाहिए, हंसते हुए, है ना? तभी तो लगेगा ना कि आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं. वी शुड आस्क देम पोलाइटली. ये भी आप राइट कर सकते हैं. वी शुड आस्क टू देम पोलाइटली. एंड सेकेंड, वी शुड ग्रीट देम हैप्पीली. ओके, कर ले बेटा. दिस इज वर्क फॉर टुमारो. ओके, चलिए. तो आपका ये सेशन, अभी आपका चैप्टर एंड होता है. आपको बुक बी में किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क टू मी. कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी. नो मैम.
5.3 ये आपका कल का होमवर्क रहेगा एंड 5.2 का लास्ट के टू क्वेश्चन ये होमवर्क रहेंगे ओके okay? और आज का होमवर्क आप लोग को दे दिया एक्सरसाइज नंबर 5.1 मैम हो जाएगा सेशन हम लोग इन मैम सभी को होमवर्क करके सबमिट करना ओके Yes, ma'am. Bye, everyone. Take care. Ma'am, goodbye.